नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कभी वो ट्रक की सवारी करते दिखते हैं, तो कभी वो बाइक मैकेनिक की दुकान में देखे जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी खेतों में पहुंच गए हैं। दरअसल शनिवार यानी कि 8 जुलाई की सुबह राहुल गांधी अचानक सोनीपत के गोहाना के मदीना गांव पहुंचे और वहां किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई की। और अब राहुल गांधी का एक किसान रूप खूब चर्चा में भी बना हुआ है और राहुल गांधी के वीडियोस सोशल मीडिया पर छा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा रहे थे और इस दौरान वो रास्ते में मदीना गांव के खेतों में जा पहुंचे, जहां धान की रोपाई चल रही थी। राहुल गांधी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की। बता दें कि इस दौरान राहुल पूरे किसान की तरह ही दिख रहे थे। राहुल गांधी की खेतों की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने पैंट को घुटनों से ऊपर तक मोड़ा हुआ है, जिसके बाद वो किसानों से समझने की कोशिश करते हैं कि धान को कैसे लगाया जाता है और फिर अपने हाथ में धान के बीज को लेते हैं और उसकी रोपाई करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां मौजूद किसानों का हाल चाल जाना और खेती किसानी को लेकर उनसे बातचीत भी की। अपने बीच अचानक से राहुल गांधी को देखकर लोग भी हैरान थे। इस दौरान वहां गोहाना और बड़ौदा के विधायक भी मौजूद थे। राहुल गांधी के अचानक वहां आने को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मदीना गांव की सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी यहां आए। जरा आप भी सुनिए क्या बोले विधायक साहब। देखिए, राहुल गांधी जी का बड़ा सौभाग्य इस इलाके का, जो एक देहात के अंदर ये प्रोसेस है किसान का, कैसे किसान खेती करता है, कैसे जीरी लगाता है, इन बातों को सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ गोहाना के अंदर मदीना गांव में ये बड़ी सौभाग्य की बात है गांव की, वो राहुल जी आए हैं। और आज लोगों में भी उत्साह है राहुल जी के प्रति, और जिस ढंग से देख रहे हैं वो लोग जो है लोग देख रहे हैं राहुल जी अपने किस तरीके से गार्ड लगाते हैं, किस तरीके से जीरी लगाते हैं, सारा प्रोसेस उनके सामने है, तो वो इस बात की बारीकी को समझने के लिए यहाँ देहात के अंदर। इससे राहुल गांधी जी मेरे हल्के गांव मदीना में आए, हमने पता चला, गांव वालों ने फ़ोन किया, फिर पुलिस CID का फोन आया, गांव मदीना में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यहाँ का हमने देखा खेत में जीरी लगाने लग रहे हैं और गार्ड मारने लग रही थी, बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसानों की आवाज़ अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज राहुल गांधी जी आए हैं। और हम राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर मैं हल्के पूरे हल्के की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग के मोटरसाइकिल मार्केट पहुंचे थे, जहां उन्होंने मार्केट के वर्कर से बातचीत की और बाइक ठीक करनी भी सीखी थी। इससे पहले 23 मई को राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा ट्रक से करते हुए नजर आए थे। ट्रक में सवारी करते हुए राहुल ने ट्रक ड्राइवर से उनके मुद्दों और समस्याओं को समझने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आम लोगों के बीच जाकर उनसे सीधे बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।